जी हाँ दोस्तों, आइए बात करते हैं दिवाली पर लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। दोस्तों बता दें कि 25 अक्टूबर 2022 को हमारे भारत देश में साल 2022 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। और बता दें कि हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार हमारा साल 2022 का यह सूर्य ग्रहण बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना गया है। और बता दें कि यह खतरनाक इसलिए है क्योंकि 27 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है। तो आइए इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल के साथ साथ कब से कब तक रहेगा और इसके अलावा किन किन राशियों पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा और कहां कहां पर यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या नहीं करने चाहिए और किन किन चीजों से सावधान रहना चाहिए, इसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अगर आप भी भारत के चाहे कहीं से भी आते हैं, चाहे किसी भी जगह से आते हैं, तो इस वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ एकदम अंत तक और पूरा लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वीडियो में बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम आगे जो भी सूर्य ग्रहण को लेकर के छोटी और बड़ी खबर की जानकारी अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सिंपल और आसानी से मिल जाया करेगी। दोस्तों बता दें कि साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को लगेगा। और बता दें कि दिवाली का त्योहार अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। अगर अमावस्या तिथि की बात करें तो यह 24 और 25 अक्टूबर दोनों दिन पड़ रही है और इसी दिन हमारे सूर्य ग्रहण को लेकर के बहुत ही ज्यादा आशंका बनी हुई है। दोस्तों बता दें कि 24 अक्टूबर 2022 को दिवाली का त्योहार है और ठीक उसके एक दिन बाद यानी कि 25 अक्टूबर 2022 को हमारे भारत देश में साल 2022 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। तो चलिए सबसे पहले इसके सूतक काल के बारे में जानकारी जान लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको सूतक काल के दौरान क्या क्या चीजें नहीं करना चाहिए। दोस्तों बता दें कि भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर मंगलवार को दोपहर 4:29 पर शुरू होगा और आपके शाम 5:30 तक खत्म हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के 1 घंटा 14 मिनट तक यह सूर्य ग्रहण लगेगा। और बता दें कि हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार यह हमारा सूर्य ग्रहण बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना गया है और 27 साल बाद ऐसा संयोग हमारे भारत में बन रहा है। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी सावधान रहिएगा क्योंकि यह सूर्य ग्रहण बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों बता दें कि आपको सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने हैं, जैसे कि आपका कोई भी अगर शुभ कार्य हो गया, इन सभी कार्यों को आपको ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसके अलावा आपको सूतक काल में खाना नहीं बनाना है और ना ही आपको भोजन करना है। अगर आपका खाना पहले से बन चुका है तो उसमें आप तुलसी के पत्ते डालकर भोजन का सेवन करें। इसके बाद दोस्तों सूतक काल समाप्त होने के बाद अपने पूरे घर की सफाई करें, उसके बाद गंगा जल का छिड़काव करके भगवान की पूजा करें, इसके बाद ही आपको कोई कार्य करना चाहिए, वरना आपका जो भी कार्य होगा वो बिल्कुल कार्य अशुभ माना जाएगा। तो ये कुछ हमारे ज्योतिष शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जानकारी बताई गई थी, जो मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ जानकारी दे चुका हूँ। और आपको बता दें दोस्तों कि हमारे वैज्ञानिकों के रिसर्च के मुताबिक यह सूर्य ग्रहण जो सबसे ज्यादा जिन राशियों पर असर पड़ेगा उनका नाम है मेष राशि और कर्क राशि। अगर दोस्तों आप इन दो राशियों से आते हैं तो आपको सूर्य ग्रहण के दौरान यानी कि जब से आपका सूतक का लग जाता है तब से अगर आप इन दोनों राशियों से आते हैं तो आपको बिल्कुल भी सावधान और अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण हमारे मेष राशि और कर्क राशि पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और इसके बाद दोस्तों बता दें कि यह सूर्य ग्रहण हमारे भारत देश में दिखाई तो देगा ही, इसके अलावा आपके यूरोप, एशिया, महाद्वीप, इसके अलावा आपके ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा आपके कनाडा में भी यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी सावधान रहिएगा, बिल्कुल भी अलर्ट रहिएगा और जो खासकर मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दिया हूँ उन बातों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आयुक्त दोस्तों आपको सूर्य ग्रहण के बारे में सारा कुछ जानकारी मिल गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सूर्य ग्रहण से सवाल या जवाब करना है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी में, एक और नई सूर्य ग्रहण की वीडियो की अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।